hello children welcome back to gk class today i will teach you the new chapter chapter number 25 which name is being different kuch alag so let's start about it the world we live in today would no doubt be a different place if it were not for the amazing discoveries produced by the famous scientist यूजिंग द हेल्प बॉक्स फिल ऑफ द ब्लैंक्स यहाँ पे कह रहा है कि संसार में आजकल कोई डाउट नहीं है उसमें कि हर जगह अलग अलग तरह की प्लेसेस हैं और उसमें अलग अलग तरह की डिस्कवरीज़ होती रहती हैं किसके द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा तो हमको कुछ यहाँ पर फिलअप करना है हेल्प बॉक्स से फ़र्स्ट आपका क्या है डैश इज द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ब्रिलियंट वर्क ऑन द थियोरेटिकल फिजिक्स लिव ऑन टूडे एंड ही सर्व्स एज एन इंस्पाइशन टू यंग साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड ऐसे साइंटिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनके ब्रिलियंट वर्क से और फिजिक्स की थ्योरी में जो आजकल चल रही है और उन्होंने यंग साइंटिस्ट का एक इंस्पिरेशन दिया पूरे संसार में वो कौन है एल्बर्ट आइंस्टीन स्पेलिंग क्या है ए एल बी ई आर टी एल्बर्ट ई आई एन एस टी ई आई एन एल्बर्ट आइंस्टीन ओके कम टू द सेकेंड पॉइंट डैश वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट हु ओपन द आइज ऑफ द वर्ल्ड टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ़ आवर सोलर सिस्टम एंड एस्ट्रोनॉमी इन एक ऐसे इटालियन साइंटिस्ट जिन्होंने हमारी आंखें खोली संसार की एक नया कुछ सोचने की और सोलर सिस्टम के ऊपर वर्क करने की और एस्ट्रोनॉमी में ओके तो इनका नाम क्या है गैले गैली स्पेलिंग जी ए एल आई एल ई ओ ई आई गैले लियो गैली लेई ओके थर्ड पॉइंट डैश वॉज नोन टू हैव सेट दैट हिज वर्क ऑन फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन वॉज इंसपायर्ड बाई वॉचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री एक ऐसे साइंटिस्ट जिनको हम लोग जानते हैं उनके थ्योरी फार्मोलेटिंग जो कि ग्रेविटेशन के बारे में दी गई थी जो कि इंस्पायर करती है हम लोगों को उन्होंने क्या देखा था कि जो एप्पल है वो जो है पेड़ से नीचे गिरता है तो वो किस थ्योरी की वजह से गिरता है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन इसकी उन्होंने खोज की थी उनका नाम क्या है आई न्यूटन आई एस डबल आई ए सी आईसैक एन ई डब्ल्यू t o n and Isaac Newton you have to fill in the blanks third Isaac Newton fourth point dash is well known for inventing a process to stop food and liquid such as milk from making people sick this method is called pasteurization ek scientist jinko jinhone process food food स्टॉप फूड एंड लिक्विड एज मिल्क फ्रॉम मेकिंग पीपल सिक मीन्स की एक प्रोसेस की थी फूड की जै जिसमें मिल्क था उसमें सिक पीपल जो हैं उनकी सही किया था दिस मैथड इज़ कॉल्ड पेस्टराइजेशन और वो मैथड क्या कहलाता है पेस्टराइजेशन कहलाता है तो उनका नाम क्या है लुइस पेस्टर एल ओ यू आई एस लुइस पी ए एस एस टी यू आर लुइस पेस्टर ओके चिल्ड्र फिफ्थ पॉइंट दैश वॉज़ एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हो मेड अज इम्पैक्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस इन जनरल बाय डिमॉन्सट्रेटिंग दैट अदर गैलेक्सीज बिस आवर ओन मिल्की वे वॉज एक्सटेड मीन्स कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं उन्होंने एक ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी और साइंस के बारे में खोज की थी और नो इन्होंने गैलेक्सी के अंदर जो मिल्की होता है उसको डिमॉन्सट्रेट किया था इनका नाम क्या है एडविन हबल ई डी डब्ल्यू आई एन एडविन एच यू डबल बी एल ई एडविन हबल सिक्स पॉइंट डैश फॉज ग्रीक फ़िलासफर who wrote about many subjects and made a number of important contribution to science the majority of his original work has been lost through the passage of time but around 1/3 of it still remains ye jo hai एक ग्रीस ग्रीक फिलोसोफर हैं इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं और बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस में द मेजोरिटी ऑफ इसिजिनल वर्क हैज़ बिन लॉस्ट इनका जो खुद का ओरिजिनल वर्क था वो लॉस्ट हो गया वन थर्ड बट अराउंड वन थर्ड इज स्टिल लेकिन फिर भी उनका वन थर्ड पार्ट जो है अभी भी बचा हुआ है तो वो कौन है एरिस टोटले ए आर आई एस टी ओ टी एल ई एरिस टोटले ओके okay, चिल्ड्रेंस फर्स्ट पॉइंट आपका एल्बर्ट आइंस्टीन है सेकेंड गैले गैलीलेई है Third, Isaac Newton, fourth Louis Pasteur, fifth Edwin Hubble and sixth to have Aapka Aristotle. Okay children, I think you all can understand and write it in your book and we will meet in the next video. Thanks for watching.